बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी YouTube की फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुबह आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। जैसे कि सबको पता है ईद उल अज़हा आने वाली है, मज़े मज़े के पकवान पकने वाले, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके साथ वाइट बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करें। बड़ा मज़ेदार सा बने, बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी सी रेसिपी, ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। चले हम किचन क्लोजअप में चलते हैं और आप सबके लिए मज़ेदार सा पुलाव रेडी करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार किस्म का सफ़ेद बीफ पुलाव यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है गोश्त। आप चाहें तो मटन का भी गोश्त ले सकते हैं, मैंने लिया है बीफ का। 1 kg मैंने इसके अंदर गोश्त लिया। गोश्त को अच्छे से वॉश कर लेने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 tablespoons भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ साथ जाएगा 2 अदद प्याज साबुत। बस इसी तरह आप काट के डाल दें, कटिंग वटिंग कुछ भी नहीं करनी है। गरम मसाला जाएगा साबुत, 1 tablespoon भर के डालिएगा। सारा मिक्स गरम मसाला होगा इसके अंदर, काली मिर्च होगी साबुत, ज़ीरा साबुत और धनिया। अब इसके अंदर सौंफ डाल देंगे हम 1 tablespoon भर के, और इसके साथ साथ जाएगा धनिया, साबुत धनिया भी 2 tablespoon। ये देखिए, ये डाल देने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। मैं बना रही हूँ 1 kg चावल का, 1 kg ही गोश्त लिया, बराबर का गोश्त है, बराबर के राइस हैं, तो मैं इसके अंदर कम से कम पानी डालूँगी 6 से 7 glass पानी के। गोश्त भी हमारा गल जाएगा और यखनी भी तैयार हो जाएगी। तो ये हम इसकी यखनी तैयार करें। पानी डाल देने के बाद इसको हमने गोश्त को गलने के लिए रख देना है कि गोश्त अच्छे से अपना अर्क पानी में छोड़ दे और बहुत अच्छी सी हमारी यखनी फ्लेवरफुल सी रेडी हो जाए। पहले तो आपने आँच को तेज़ रखना है, जब इसमें पानी में उबाल आ जाएगा फिर आपने इसकी आँच को लो टू मीडियम हीट पे गोश्त को गलने तक आपने कुक करना है। चलिए जी, हम अपना ये गोश्त गला लें, उसके बाद आप चलिए जी, यखनी हमारी हो गई ये तैयार। तो हम दूसरी तरफ अपने राइस बगाड़ लेते हैं। मैंने इसके अंदर डाला 1/4 cup कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे 1 अदद दरमियाने साइज़ की, ये देखिए, और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। ये प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 1 cinnamon stick यानी कि दालचीनी, और थोड़ी सी काली मिर्चें, और वो डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा थोड़ा सा। ये देखिए, ये डाल देने के बाद थोड़ा सा इसको हम कड़कड़ाने देंगे कि इसका अच्छा सा एक अरोमा सा आ जाए। और इसमें बे लीव्स डाल देंगे 2 से 3 अदर। ये देखिए, एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए इसके अंदर। ये देखिए, इसको हल्का सा हमने कड़कड़ाना है। ये देखिए जनाब, एक अच्छी सी खुशबू आपको जब आने लग जाए गर्म मसाले की और बे लीव्स की, फिर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 tablespoon भर के डाल देंगे। ये देखें, इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये वाइट कलर का पुलाव बनेगा, वाइट यखनी पुलाव, तो इसीलिए इसमें प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखिए, गोश्त यखनी में से हमने अलग कर लिया था। ये देखें, गोश्त हमारा कितना अच्छा सॉफ्ट सा गल गया। ये देखें, बिल्कुल गोश्त गल गया। अब हम ये गोश्त इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके साथ साथ हम जो चीज़ें इसमें डालेंगे वो है 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, इस तरह मैंने काट ली थी, ये इसमें ऐड कर देंगे, और 1 tablespoon पिसा हुआ गरम मसाला ये ऐड कर देंगे। और अब हमने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। ये देखें जनाब, चावल हमने इसके अंदर डाल दिए सारे। मैंने कम से कम 1 घंटा चावलों को अच्छे से भिगोया था।
अब हम इसके अंदर जो यखनी हमने बनाई हुई थी, बोटियाँ तो इसमें डाल दी हैं, अब हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। यखनी मैंने 4 ग्लास चावल लिए थे तो मैं 8 ग्लास इसके अंदर यखनी ऐड। चलिए जी, यखनी हमने इसके अंदर डाल दी है, अब हम इसके अंदर डाल दें, हाथ से डालिएगा क्योंकि हमने यखनी में भी सॉल्ट ऐड किया हुआ था। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना होगा, बस हमने अब इसमें चमचे बिल्कुल नहीं चलाने, अब इसको उबाल आने दें कि राइस हमारे हल्के सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जनाब, राइस हमारे 80% को हो चुके हैं। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी रह चुका है, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी यखनी है। अब हम इसको लिड लगा के दम पे रख देंगे, लो टू मीडियम हीट पर बिल्कुल, और आपने कुछ भी नहीं छेड़ना छाड़ना। और इससे हमें 15 से 20 मिनट तक इसको हमने दम लगाना है, और फिर हमारा मज़ेदार सा वाइट यखनी पुलाव तैयार है। इसमें लग रहा हमारे अब 15 से 20 मिनट हो गए, अब हम लिड उठाएंगे, अपना दम खोलेंगे। माशाल्लाह से ये देखिए, हो हो, गर्मा गर्म हमारा सफ़ेद पुलाव यखनी वाला, ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए कितना प्यारा राइस आया खिला खिला बिल्कुल। ये देखिए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी फ्राई की हुई अनियन डाल देंगे, ये देखें इस तरह करके। चले जी, अब हम इसे गर्मा गर्म करते हैं डिश आउट। देखिए जनाब, मज़ेदार किस्म का हमारा वाइट यखनी पुलाव, वाइट बीफ यखनी पुलाव खाने के लिए तैयार है। इतना टेस्टी बना ये रेसिपी, ज़रूर आपने ईदुल अज़हा में ट्राई करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और फ्री में वीडियो को इन्जॉय कर सकें। चलें फिर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Never kissed